आपको अपने चैनल पीआरडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग 22 अप्रैल 2020 के करेंट अफेयर्स देखेंगे और उससे जितने भी बनने वाले प्रश्न होंगे वो अभी देखेंगे। तो देखिए, आज का करेंट अफेयर्स है कि सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का विमोचन किसने किया। तो इस बुक में उनके बारे में, पीवी सिंधु के मतलब कैरियर के बारे में बताया गया कि वह कैसे खेली हैं। तो इन्होंने विमोचन किया है बी कृष्ण स्वामी। इसका विमोचन कौन किया? तो बी कृष्ण स्वामी किए हैं। अब देखिए, पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी भारतीय हैं और इनका मतलब इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न मतलब दूसरा करेंट अफेयर्स है कि आईआईटी रोपड़ ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को दवा व भोजन देने का काम करेगा, उसका नाम क्या है। तो यह रोबोट एक ऐसा रोबोट है जो खुद को सेनिटाइज भी करता रहेगा। इसका नाम है वर्ड बोट, वर्ड बोट। अब आईआईटी रोपड़ है कहाँ पे? तो आईआईटी रोपड़ पंजाब में है। आईआईटी रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। अगला है कि 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए योद्धा कल्याण योजना, योद्धा कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, वहां पे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के आप लोग कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे गवर्नर कौन है, गवर्नर यहाँ के कौन है। आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यह 5 राज्यों की सीमा को छूती है, उसमें उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अब 2001 तक मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 2001 में 16 जिले काटकर छत्तीसगढ़ बना दिया गया, जिससे पहले स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य आता है भारत में? राजस्थान आता है। तांबे का सबसे अधिक भंडार भारत में मध्य प्रदेश राज्य में है। सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर, ग्वालियर का किला और भीमबैठका मंदिर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। मतलब उज्जैन मध्य प्रदेश में है, क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है, जिसमें जहां पे 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि लॉकडाउन के उल्लंघन के बाद केंद्र सरकार ने कितनी मंत्रालय टीमों का गठन किया है? तो यह किया है 6 टीमों का गठन। मतलब जो लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन भारत में लगा है, उसका उल्लंघन बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों के लिए किसने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो यह किया है हिंदू संगठन। अमेरिका में जो भारतीय छात्र फंसे हैं इस समय कोविड-19 महामारी के लिए, तो उनके लिए हिंदू संगठन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगला प्रश्न है कि बड़ौदा रणजी टीम के कोच और क्रिकेट निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डेव वाटमोर को। डेव वाटमोर के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच थे, इनको नियुक्त किया गया है। इनकी अगुवाई में श्रीलंका ने विश्व कप जीता था। श्रीलंका ने विश्व कप इन्हीं की अगुवाई में जीता था। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि यह कब से मनाया जाता है और इसके जनक कौन है। तो भारत में नागरिक सेवाओं के जो संस्थापक थे वे वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स इसलिए भारत में नागरिक सेवाओं के जनक या पिता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, जब से चार्ल्स कार्नवालिस ने इसमें बहुत अत्यधिक सुधार किया था। सिविल सेवा में बहुत अत्यधिक सुधार किया था। जब भारत आजाद हुआ तो 21 अप्रैल 1947 में अखिल भारतीय सेवा का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सदस्य और संसद ने किया था।
इसलिए अब हर साल 21 अप्रैल 2006 से लगातार हर साल विश्व राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल 2006 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इरडा ने बीमा कंपनियों को कितने घंटे के अंदर कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने के निर्देश दिया है? तो इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को 2 घंटे के अंदर जितने भी कोविड-19 से महामारी, मतलब जो कोरोना महामारी से क्लेम है, वो 2 घंटे के अंदर करने का निर्देश जारी किया है। आइए अब समझते हैं इरडा क्या है। तो इरडा का फुल फॉर्म होता है, इरडा आप समझते हैं कि इरडा क्या है। तो इरडा को हिंदी में भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं, भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यह एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है, स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय है, और इसका काम क्या होता है? उद्देश्य इसका देश में बीमा कंपनियों और विनियमन को बढ़ावा देना। इसकी मुख्यालय कहाँ? तो इसकी मुख्यालय हैदराबाद, यानी कि इसका मुख्यालय हैदराबाद, जो तेलंगाना, इसकी मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसकी मुख्यालय वहीं पे है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इरडा का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि इस प्रकार का निकाय है, तो स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय है, इसका काम क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। तो देश में बीमा और विनिमय को बढ़ावा देना होता है। अगला है कि ऐसे खिलाड़ी जिनकी रैंकिंग 200 या 250 या 700 या 1000 के आसपास और फेडरेशन सपोर्ट नहीं है, मतलब ऐसे खिलाड़ी जिनकी रैंकिंग 200 है, 250 है या 700 या 1000 के आसपास है और जिनको फेडरेशन सपोर्ट नहीं है, उनकी सहायता के लिए 35 करोड़ रुपए कौन राहत कोष में जमा किए? तो ये किए हैं नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर, यानी कि उपरोक्त सभी सत्य हैं, यहाँ पे सभी सत्य हैं, यहाँ से गलती हो गया है, उपरोक्त सभी सत्य है, उपरोक्त सभी सत्य है, तीनों लोग मिलकर 35 करोड़ राहत कोष में जमा किए हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और स्टैटिक जीके है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो लिखे थे मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल लिखे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1938 में हो गई थी, 21 अप्रैल 1938 में हो गई थी, इसीलिए यह क्वेश्चन आया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।